जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश ज़बरदस्त ऑसम वीडियो में मैं आपको एक एडुकेशन टूर देने वाला हूं। आपको यहां पे जितने भी कैंपसेस हैं उसका एक बाइक टूर दूंगा और दिखाऊंगा कहां क्या है। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं, तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में। ये हैं दरभंगा के महाराज और बिना इनके इस टूर को करना संभव नहीं है बिना इनको दिखाए हुए। तो ये देख लीजिए, आपको बता दूं जो विश्व में पहले ऐसा कैंपस है जहां पे दो दो यूनिवर्सिटी का चलाया जा रहा है। एक है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और दूसरा है संस्कृत यूनिवर्सिटी। मैं आपको दोनों कोशिश करूंगा दोनों को टूर देने का कहां क्या है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम जो ललित नारायण यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही है, और मैं आपको एक व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, फुटेज देने की कोशिश कर रहा हूँ जो कैसा है। और दरभंगा मांगे क्रिकेट स्टेडियम, दरभंगा मांगे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दरभंगा मांगे खेल एकेडमी के तहत इसको बनाया जा सकता है, राज्य का दूसरा खेल एकेडमी। और ये है डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम जिसके अंतर्गत यहाँ पे मल्टीपर्पज़ कई गेम के जो है इंडोर गेम के भी फैसिलिटीज़ है। तो एक ये देख लीजिए पूरा, और आपको साथ में दिखाऊंगा पूरा कैंपस। दोस्तों ये बाइक टूर दे रहा हूँ आपको ललित नारायण यूनिवर्सिटी के साथ साथ संस्कृत यूनिवर्सिटी का। या बाइक से मैं आपको दिखा रहा हूं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में न्यूज़ आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले ललित नारायण यूनिवर्सिटी का एक कैंपस टूर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे ले जाऊंगा। ये देख लीजिए, यहां पे जो है इसके इतिहास भूगोल के बारे में आपको बताया गया है। तो थोड़ा सा पॉज करके आप देख लीजिएगा ललित नारायण यूनिवर्सिटी के बारे में, और क्यों खोला गया, कैसे खोला गया, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, और आप इंटरनेट से आप ले सकते हो कंटेंट। पूर्व रेल मंत्री जो ललित नारायण मिथिला ललित मिश्रा थे, उनके नाम पे इसका नामकरण किया गया। उनको पता होगा जो बम धमाके में उनको यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, उनको समर्पित ये यूनिवर्सिटी दरभंगा महाराज का ये बिल्डिंग था, और उसको यहाँ पे उनको ये श्रद्धांजलि के तौर पे ललित मिश्रा को उनको नामकरण दिया गया। ये देख लीजिए कितना कैंपस है, कितना क्या है, चाक चौबंद। यहाँ पे आज वित्त मंत्री जी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन जो है थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये मेन कैंपस बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है LNMU का, जिसके अंतर्गत ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सब जो जगह है, ये पीछे वाला जगह ये नया बना हुआ है, अभी बनाया गया है। और आपको मैं ये पीछे वाला जगह है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जो है आगे वाला था, जो आपको मैं आगे दिखाया था। ये मैं परीक्षा भवन है, ये देख लीजिए आपको, ये यूनिवर्सिटी कैंपस है जिसके अंतर्गत जो दरभंगा कमिश्नरी में सारे कॉलेज जो है ना इसी से अफिलेटेड होते हैं। ये यहाँ पे प्रशासनिक जो परीक्षार्थी है काउंटर बने हुए हैं, कई काउंटर्स हैं, 7-8 मेरे को दिख रहे हैं जो यहाँ पे डाले गए हैं, चूँकि इसके ही द्वारा जो है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जो है यहाँ पे किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुलपति का होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा है, और तो वहाँ पे हम स्किप करते हैं जाना। और ये देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से मैं इस कैंपस से आपको जैसे कि बताया हूँ जो नागेंद्र झा स्टेडियम दिखा चुका हूँ, दरभंगा महाराज का प्रतिमा लगा हुआ है, ललित नारायण यूनिवर्सिटी का जो मेन बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक वो दिखाया हूँ, यहाँ जो है यहाँ बैंक एक पंजाब नेशनल बैंक का शाखा खोला गया है जो छात्रों को सुविधा हो फॉर्म सब भरने के लिए। ये देख लीजिए, ये आपको एक टूरिस्ट पैलेस की जगह इसको डेवलप किया जा रहा है, सबसे पसंदीदा जगह मेरा अगर दरभंगा में है
तो ये है, यहाँ पे मैं बार बार आना चाहता हूँ, यहाँ पे बार बार मैं आया हूँ। और ये देख लीजिए, सांस्कृतिक विभाग द्वारा यहाँ बनाया गया था, अब इसमें पता नहीं इसको मेंटेन नहीं किया गया, ये गलत है। LNMU यहाँ पे लिखा गया है, और ये यहाँ पे भी जो है कई विभाग का यहाँ पे डिपार्टमेंट है। हालांकि जो है यहाँ पे कई शिकायतें मिली है हमको, मिली थी, लेकिन फिर भी ठीक है। ये और ये जितना भी कैंपसेस हैं, आपको अगर दरभंगा के बाहर के हो, अगर व्यू देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं, जो ये दरभंगा महाराज का ये किला था, जिसको भारत सरकार अपने अधीन कर, जब राजशाही गई यहाँ पे देश से, अपने अंदर कर लिया और सारे इसको अपने द्वारा जो है ललित नारायण यूनिवर्सिटी को यहाँ पे स्थापित किया गया, खोला गया। लगभग आज़ादी के समय का ये समय ये यूनिवर्सिटी को खोला गया था। ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ चीज़ जो है है, ये LNMU का था। अब आगे जो आप देखोगे, ये कैंपस है आपको संस्कृत यूनिवर्सिटी का, संस्कृत यूनिवर्सिटी इसके अंदर का खोला गया है, और उसके ये आगे का है, जो कि मैं भी अभी तक नहीं घूमा था, मैं भी आप लोगों के साथ ही इसका टूर ले रहा हूँ। ये क्या है, ये है ललित नारायण विश्वविद्यालय कामेश्वर दरभंगा, ये एक टूर देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या नहीं है, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको एक और टूर देने की, जो आपको ये देख लीजिए ये क्या है, ये नया बिल्डिंग बना हुआ है, ये छात्रावास लग रहा है कुछ, लगता नहीं है जो एक वीडियो में ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। बहुत बड़ा ये कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, और जो आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे, मैं भी नहीं देखा था, इधर आया नहीं था, दरभंगा महाराज का ये पूरा कैंपस जो कि बनाया हुआ है यहाँ पे। इसको क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टूर दे रहा हूँ आपको। ये अंदर का पूरा व्यू है आपको ये, और सच कहूँ तो मैं भी इतना अंदर नहीं आया था अभी तक, मैं पहली बार आके आप लोगों के लिए ये शूट कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये आई थिंक यहाँ पे महिला छात्रावास है, और आपको वीडियोग्राफी के लिए जो है ना, देख सकते हैं, ये नहीं पता, इधर से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्या है